वैसे हमारा प्लान ट्रेन का था, बट यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर स्नो लाइन है, तो हमने सोचा चलो ट्री चल जाएगी यार, लेकिन पर चल फिर भी रास्ता है करथानी वैली से ऊपर स्नो लाइन तक। वैसे अब रास्ता थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, आफ्टर दैट हमें उस पहाड़ पे जाना है जो इस वर्ट माउंटेन से मैच करेगा। अब रास्ता थोड़ा टिपिकल है, बस आपको ट्रैक मिल जाएगा, अलग से ढूंढना नहीं है, बस ये कि खड़ी खाई है। सो मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी रास्ते पे कंसंट्रेट कर पाऊँ, आगे जाके जैसे ही कुछ नया मिलेगा या अगर मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँगा। ये जा रहा है ऊपर स्नो लाइन पे और यहाँ से ये है खड़ी चढ़ाई, तो क्या पैर फिसला और इंसान भी समाप्त और समय भी। यहाँ से बहुत ध्यान से चलना है आपको, ये सिंगल ट्रैक है वहां तक। इस पूरी को कंबाइन करेगा, क्यों वही ट्रैक्स ऑलमोस्ट खत्म होते जाएंगे या फिर नैरो होते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे कि ये यहाँ पे कोई भी ट्रैक नहीं है, बस खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना है। यहाँ एक मंदिर है, हम थोड़ा स्टे करेंगे फिर जाएंगे। नीचे जो मैंने मंदिर दिखाया था वहाँ से हम ऊपर आएंगे तो स्टेप्स बने हुए हैं और उसके 2 घुमाव के बाद यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, इसमें हल्का सा पतला रास्ता सामने है, वहाँ ना जा करके आप ये इन स्टेप्स में जाइए। आप जब दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो नैरो ट्रैक है उसे छोड़ के और जो बड़ा है उस पर चले जाइए। ये मेरे साथ के लोग हैं, यहाँ जाना है। यहाँ से थोड़ा सा फिर से ट्रैक्स ख़त्म हो गए हैं लेकिन वहाँ जाके आपको ट्रैक मिल जाएंगे, वो लोग जा रहे हैं और उसके बाद हमें ऊपर जाना है। हालांकि अब ऊपर पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट स्टिल रुकना नहीं है, एक बार रुक जाएंगे उसके बाद दोबारा खड़े होने में चलने में बहुत दिक्कत होगी। स्टेप्स छोटे लीजिए लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नैरो है, सो मैंने वो नैरो पाथ कवर कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं, आप इन्हें चढ़ जाइए, ऊपर जाके मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बैटरी कम है इस वजह से। ये हमारी तरह और भी ट्रैकर हैं, अब यहाँ से वहाँ जाना है। ऊपर दुकानों में क्या क्या कुछ नहीं मिलता, आटे वाटे दुकान में दाल चावल मिल जाएगा ना। अच्छा, बाकी तो लेके ही जाना पड़ेगा। नहीं, हम तो सब कुछ लेके तैयारी कर रहे हैं ना। ओके, दुकान वाले अलग रेट लगाते हैं, महंगा तो पड़ता है, इसलिए हमने अपने बना के देना सब कुछ। तो आप कितना चार्ज करते हो? चार्ज वो जेंट्स वाले करते हैं।
अच्छा एवरेज मतलब लगभग इतना पड़ जाता है, 2000 रुपए पर पर्सन रखते हैं। अच्छा क्या अभी तो हम बिना प्लानिंग के आए हैं, हम तो ऐसे ही आ गए थे बस, ट्रेन तक का प्लान था, फिर ऊपर हमको ये कपल जो है ये मिल गए, तो फिर इन्होंने बताया कि अच्छा है इतना आए हो तो थोड़ा और सही, तो मैंने कहा चलो भाई हम तो आज ही वापस आएंगे ना। अमेरिकन को दो अमेरिकन को ट्रैक लेके आ रहे थे, यहाँ पर पहुंचे हम, इमीडिएटली रेन स्टार्ट और बड़े बड़े हेल बड़े ओले पड़े बड़ी मुश्किल से, फिर हम अंदर गए। बात तो सही है, अगर सडनली बारिश वारिश हो जाए या ओले पड़ जाए तो फिर तो गई भैंस पानी में। बहुत लंबा था वो, उसमें नहीं आ रहा है, क्यों में नहीं आ रहा है, मेंटेन में नहीं आ रहा, उसका पैर फुल बाहर जा रहा है, उसको फोर मेंटेन लिए दुकानदार से मांग के, ये हाइट तो लंबी होंगी। ये हम ऑलमोस्ट स्नो लाइन पे हैं, यहाँ खाली बादल बादल दिख रहे हैं। ओके ये यार है ऐसा क्यों, कभी वापस नहीं आएगा, तुम ट्राई करो। ओके
हो। हाँ भाई मेरे ना बिस्किट आ जाएंगे पूरे। वो जिम जिम में अलग से ओ वाओ दिस इज हेवन। अबे हेवन तो ऊपर है। ये छोटे लोगों वाला हेवन है ना। ये रिजर्वेशन वाला हेवन है। यहाँ कराना पड़ता है। अच्छा बिना रिजर्वेशन जाना तो इधर जाओ तुम सीधा पहुंच जाओगे। इसमें भी चढ़ते हैं ना। ओ भाई साहब गाइस ये है स्नो लाइन। ये बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ ग्रीनरी और दूसरी तरफ स्नो, बट इसका नाम है स्नो लाइन। जो लोग इससे भी आगे जाना चाहते हैं वो पहुंचेंगे इलाका में, मतलब एक एरिया है उसका नाम है इलाका, वो यहाँ से जाएंगे आगे और उसके बाद आएगा इंद्रहार ट्रैक। हम लोग यहीं से वापस जाएंगे और जो लोग हमारे साथ आए हैं वो आगे जाएंगे। ये है बादलों के पीछे पहाड़ियाँ छुप चुकी हैं। तो ये हमारा बाबू और हम पहुंच चुके हैं। ये डालूंगा इंस्टाग्राम पे तेरी शक्ल के साथ। आ गया अब तो मैं तेरे को दूंगा ही नहीं ना खोल के। अरे साहब देखो ये रहा। आ गया यार ये। अब गेल्स किधर है फिर? गेल्स की बल की चढ़ाई मतलब बड़ी हल्का भूजा रहता है। बजे यहाँ ठंड पड़ रही है इतनी कि अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। इतनी ठंड कितनी ठंड होती होगी यार अपने उधर, मतलब कौन से महीने में होती होगी इतनी ठंड? दिसंबर में। ओके एंड अगर आप लोग आए तो कपड़े लत्ते साथ लाइए वरना मत आइए। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं एंड दिस इज द सीनरी। मुझे इतनी ठंड हो गई है कि क्या बताएं कितनी ठंड हो गई है।
ये हम वापस ट्रिएंड पे आ गए हैं। वो आप सामने देख सकते हैं, एक ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का एक हट है। हाँ? रुक गया, ओ टाइम हो गया ब्रदर, 2:25। वो वाला एरिया, वहाँ से हम नीचे मैक्लोडगंज जाएंगे, उसका हम आए थे वो रास्ता अलग है और जाने वाला रूट अलग है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर। ओ ये सो आई एम गोना शो यू द वे आफ्टर हम नीचे पहुँचेंगे। हम पहुंच गए वापस ट्रिएंड स्नो लाइन से। गाइस अगर आप ट्रिएंड तक ही आते हैं देन इट इज़ ऑल अप टू यू, बट अगर आप में थोड़ा सा भी स्टेमिना बच जाता है, नहीं भी बचता है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, बट आफ्टर दैट स्नो लाइन तक जाना ज़रूर। ये जो बादल दिख रहे हैं ना, इन बादलों के ऊपर का एरिया है, वो बहुत प्यारा है, पूरा पहाड़ है। इसको क्रॉस करने के बाद हम स्नो लाइन पहुंचे थे, इसे चढ़ने में 2 घंटे लग गए और उतरने में सिर्फ 30 मिनट या शायद उससे 25 मिनट। अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे जो कि धर्मकोट में मिलेगा। ये थोड़ा स्लिपरी रास्ता है, उतरने में फिसल सकते हैं, इसलिए मैं बीच में एक दो बार वीडियोस बना दूंगा और उसके बाद फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच के नीचे धर्मकोट पहुंच के, जो कि 9 किलोमीटर दूर है धर्मशाला से या शायद मैक्लोडगंज से, आई डोंट नो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये पूरा नीचे जाने का रास्ता है, कंकर और स्लिपरी एरिया थोड़ा खत्म हो गया है, उसके बाद ये प्लेन रास्ता है नीचे उतरने के लिए। ये काफी दूर तक नीचे तक ऐसे ही प्लेन जाएगा। हम भागसू वाटरफॉल से चढ़े थे लेकिन वहाँ से उतरे नहीं, क्योंकि हमने सोचा चलो कोई एक नया रास्ता देख लिया जाए। इसलिए हम ये देखिए, ये हाइट है इसकी और यहाँ से हमें जाना है। अब मैं नीचे पहुँच के या बीच में एक वीडियो और बना दूँगा। ओके ये उतरने का रास्ता है एंड आफ्टर दैट आप देख सकते हैं वो आगे रास्ता जा रहा है, वहां से हम जाएंगे। अभी पेड़ बीच में आ गए थे, मैं यहां से आपको और क्लियर दिखा देता हूँ। ये रास्ता है सामने, ये वाला इसके ऊपर है ट्रिएंड और वहां से उतरते हुए मैं आया हूँ यहाँ पे। हालांकि अभी मेरे को और नीचे जाना है, बट मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, मेरा बाबू रह गया वो आ जाएगा। नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, नीचे ही चलते हैं, क्या ही करेंगे रुक के भी, जवान लौंडा है वो, आ जाएगा सिंपल। ब्रदर नीचे नदी है, जल्दी आ जा। यो आई सॉ यू देयर, नीचे नदी की आवाज आ रही है मेरे को पानी पीने की। हाँ
ये है डेटा वैली जहाँ से हम चढ़े थे इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर गए थे, और अभी हम उसी के पैरेलल पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। आप चाहो तो सेम से भी आ जा सकते हो, यहाँ से खच्चर भी जाते हैं सामान वामान पे या फिर टूरिस्ट को लेके, बट हमें बस देखना था तो हमने दोनों रास्ते अलग अलग चूज़ किए। ये रास्ता आसान है चढ़ने के लिए भी उतरने के लिए भी, वो रास्ता मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, बट अगर आप घूम रहे हो तो दोनों से घूमो ज़्यादा बेटर है। फाइनली हम पहुँच गए नीचे 2.5 घंटे में, नहीं 1.5 घंटे में।